उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के दो विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। सुभाषपा विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ लखनऊ के स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने जिस मामले में वारंट जारी किया है वह फरवरी 2006 के रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा है। इस मामले में कोर्ट ने सुभाषपा विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें, रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा से एक दिन पहले ही सुभाषपा विधायक बेदी राम से पेपर बरामद हुआ था। इस मामले में एसटीएफ ने बेदी राम विपुल दुबे समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 24 फरवरी 2006 को आलमबाग इलाके से एसटीएफ ने इनकी गिरफ्तारी की थी। इस मामले में एसटीएफ ने कृष्णा नगर थाने गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक बेदी राम समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। वहीं कोर्ट ने 26 जुलाई को सभी आरोपियों की हाजिरी तय कराने का आदेश इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को दे दिया था। बेदी राम इस समय गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। वह सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी में से एक माने जाते हैं। सुभाषपा विधायक बेदी राम पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। उन पर यूपी के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज है। इसके साथ ही निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक है। उन्होंने साल 2022 के चुनाव में सपा के राम किशोर बिंद को चुनाव से हराया था। अब देखने वाली बात होगी, क्या वास्तव में योगी सरकार इन पर और कड़े कार्रवाई करेगी।